एक भ्रष्टाचारी और बर्खास्त आदमी के द्वारा उद्घाटन उदयपुर वाटिका की 36 कोप को मंजूर नहीं था। मतलब इतनी इतनी बड़ी घटनाएं होने के बाद में भी गिरफ्तारी नहीं है, तो कितने अचंभे की बात है। कैसे हो पुलिस अधिकारी राजेंद्र गुड्डा की नौकरी कर रहे हैं या पुलिस की नौकरी कर रहे हैं? सर, एक दो रोज पहले उदयपुर वाटी में कॉलेज का उद्घाटन था, उसमें मंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था। गहलोत समर्थकों ने गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाए थे और उनके वहाँ पर हाथापाई का जो मामला हुआ था उसको लेकर के थाने में मुकदमे भी दर्ज हुए, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी नहीं होने के ऊपर आगे आपका क्या कदम रहेगा? देखो, यह है कि जो विधायक ने वहाँ बगर कॉलेज प्रशासन की मंजूरी के उद्घाटन किया वो सरासर गलत था। उसके बाद में जो धरना, लोकतंत्र में सबको अधिकार है धरना प्रदर्शन का। मेरे समर्थक अशोक गहलोत साहब के माननीय मुख्यमंत्री जी के नारे लगा रहे थे, शांतिपूर्वक लगा रहे थे, कोई काला झंडा नहीं था, क्योंकि कॉलेज का उद्घाटन कानूनी तरीके में नहीं था, इसलिए उसका विरोध कर रहे थे कि जबरदस्ती वो छात्र छात्राओं का जो विद्या का मंदिर है उस मंदिर का एक भ्रष्टाचारी और बर्खास्त आदमी के द्वारा उद्घाटन उदयपुर वाटी की 36 कोप को मंजूर नहीं था, इसलिए उसका विरोध हुआ। उसने स्वयं ने, मतलब कितनी बड़ी घिनौनी बात है कि एक ऐसे लोकतांत्रिक पद पे, संवैधानिक पद पे होते हुए एक आदमी जनप्रतिनिधि और जो मेघवाल समाज को अपना पहला प्यार बताता था, उस मेघवाल समाज के बच्चे को जाति सूचक गाड़ियां निकालना, उसके साथ लात घूसों से मारपीट करना, उसके इर्द गिर्द जो लड़के थे, जो उन लड़कों को आप वीडियो के माध्यम से देखेंगे, सभी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोग उसके इर्द गिर्द थे जिन्होंने उस लड़के के साथ मारपीट की। मामला हमने स्थानीय थाने में दर्ज करवाया, अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ। मैं आपके मीडिया के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय नीम का थाना, माननीय कलेक्टर महोदय झुंझुनू, दोनों से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि या तो कल शाम तक, एक दूसरा मामला और है, उसके बाद में रात को एक बच्चे का अपहरण होता है, उस मामले में भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। तीसरा मामला और बताऊँ, उसी रात का छापोली के अंदर जो राजेंद्र गुड्डा का क्रेशर है, इसके मुनीम, इसके लोगों ने जाट समाज के मित्रों के ऊपर, जिसके सर में चोट है, 3 बच्चों को पुलिस ने राजेंद्र सिंह गुड्डा के इन्फ्लुएंस में पुलिस उनको उठा के लाती है, रात को 2 बजे उनको छोड़ दी है, कल से एक लड़के को वापस बंद कर रखा है। मतलब एक एक रात में 3-3 जघन्य अपराध होने के बाद में गुड्डा पुलिस, उदयपुर वाटी पुलिस, मतलब अपराधियों को पकड़ती नहीं है। आज भी मैंने DYSP साहब से बात की, मैंने कहा साहब आप गिरफ्तार करोगे, साहब हमने टीम लगा रखी है। मतलब इतनी इतनी बड़ी घटनाएं होने के बाद में भी गिरफ्तारी नहीं है, तो कितने अचंभे की बात है। कैसे, मतलब ये उदयपुर वाटी की 36 को, मतलब ये मैं कह रहा हूँ, पुलिस अधिकारी राजेंद्र गुड्डा की नौकरी कर रहे हैं या पुलिस की नौकरी कर रहे हैं? मतलब एक शर्म आनी चाहिए। मेरा कर्तव्य राजनीति का है तो मैं राजनीति करूँ, जिसकी जो ड्यूटी है वो तो निभा नहीं रहे, और एक जैसे राजेंद्र गुड्डा उनको तनख्वाह दे रहा हो वैसे वो कार्रवाई कर रहे हैं। मेरा मीडिया के माध्यम से दोनों जिला कलेक्टरों से निवेदन है कि कल शाम तक गिरफ्तार होते हैं तो ठीक है, नहीं परसों सुबह बांडिया नाड़ा से 10-20 हजार लोगों के साथ पैदल मार्च करूंगा, और गुड्डाकोट जी मार्केट नगर पालिका, गुड्डाकोट जी उदयपुर वाटी नगर पालिका सांकेतिक पूर्ण रूप से बंद रहेंगे 1 बजे तक, और SDM कार्यालय के सामने विशाल धरना प्रदर्शन होगा, जिसका जवाबदार दोनों जिले के कलेक्टर होंगे।